नगर की सरस्वती विहार कॉलोनी में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने एक परचून की दुकान में बनी खिड़की तोड़कर 20,000 की नगदी चुरा ली। चोरी का पता गुरुवार की सुबह लगा। दुकान मालिक पंकज पांडे ने चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये तोड़ रखा है, ये इनकी यहाँ पे चक्की है, ये गल्ला जिसमें ये बता रहे हैं कि 15-20 हजार रुपए थे। रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाएं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश जारी किए हैं। प्रभारी अधिकारी पिथौरागढ़ ने इस संबंध में रोडवेज के सहायक महाप्रबंधक को पत्र लिख कहा है कि शासन की ओर से व्यवहार की प्रतिपूर्ति की जाएगी। माँ भगवती पैथोलॉजी लैब एक कंप्यूटराइज्ड लैब है। यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा समस्त प्रकार की जांच की जाती है। लैब लेकर आ गया है एक धमाकेदार ऑफर। यहाँ हर शनिवार और रविवार आपको मिलेगा 80% तक का डिस्काउंट। बीमारियाँ बताकर नहीं आती, अपनी हेल्थ को आज ही मॉनिटर करें और ऑफर का लाभ उठाएं। घर से ब्लड सैंपल लाने की सुविधा भी उपलब्ध। लैब एक समाधान अनेक। माँ भगवती पैथोलॉजी लैब, निकट जिला अस्पताल, बैंक रोड, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को बुधवार को अल्बेंडाजोल टेबलेट उपलब्ध कराई गई। डॉक्टर सरोज वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया, सिस्को लाइब्रेरी, बीएसएससी प्रथम सेमेस्टर, एमए भूगोल मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों को अल्बेंडाजोल बांटी गई। सीमांत जिले में हो रही बारिश से मुनस्यारी मदकोट रोड बंद है। जिला मुख्यालय जाने वाले वाहन फंसे हुए हैं। पूर्व में भी इसी जगह धसाव होने से सड़क बंद हो गई थी, जिसे बीआरओ द्वारा सुचारू किया गया था। इस जगह पर लगातार धसने से सड़क की स्थिति खराब होते जा रही है। ओगला झटिया गाड़ के पास भी सड़क मलबा आने से बंद है। मुनस्यारी के देवेंद्र सिंह ने बताया कि कैंठी बैंड के पास भी सड़क बंद है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में सभी नवीनतम और आधुनिक सुविधाओं के साथ आप शादी समारोह, बर्थडे या किसी भी प्रकार के मंगल कार्यक्रमों को बनाएं और भी मंगलमय। अपने महत्वपूर्ण दिनों को और भी यादगार बनाने के लिए अभी संपर्क करें मंगल मूर्ति होटल एवं बैंकेट हॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9897007877 पर। भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में वोटर चेतना महाअभियान की बैठक की गई। मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त तक अभियान चलना है। 25 से 26 अगस्त को घर घर जाकर कार्यक्रम होना है। प्रत्येक विधानसभा में 10,000 मतदाता जोड़े जाने हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लेने को कहा। बैठक में संयोजक इंद्र लुंठी, रघुवर बिष्ट, मनोज सामंत, कोमल मेहता, गणेश भंडारी, उमेश मेहर, वीरेंद्र बोहरा, दिनेश कापड़ी आदि मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।